फ्रांस के जो सदर हैं एमन मैक्रॉन वो आ रहे हैं भारत और सुनने में ये आ रहा है कि जैसे ही वो भारत में लैंड करेंगे 25 और 26 जो जनवरी वो यहाँ पे होंगे और 26 जनवरी क्योंकि भारत का वो चीफ गेस्ट हैं उस दिन सेवेंटी फिफ्थ रिपब्लिक डे है और आपको पता है कि इस हवाले से वो जिन जगहों पे जाने जा रहे हैं इंडिया बेसिकली वो जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि हम एक सिविलाइजेशनल ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हैं क्योंकि इनकी जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे 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 गिरते गिरते हमें लगता था ये पताल लोग तक पहुंच गई है अब उसके नीचे भी कोई लोग है वो भी वहां तक भी पहुंच गए जिसका हमने नाम भी सुना नहीं था ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने बड़ा मुतालबा कर दिया इस्लामी मुमालिक गजा में जंग बंदी के मुतालबे के बजाय इसराइल से तालुक खत्म करें इस्लामी मुमालिक की तरफ से गजा में जंग बंदी का मतलब नवाज शरीफ ने कहा है कि वो इम्पोर्टेड वजे अजम नहीं मकामी वजे अजम थे जब नमस्कार दोस्तों जय हिंद दोस्तों भारत के गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमेन मैक्रो चीफ गेस्ट के तौर पर भारत आ रहे हैं जिससे पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि भारत और फ्रांस के रिश्ते पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे अब भारत फ्रांस से बड़ी तादाद में रफाल खरीद रहा जो कि पाकिस्तान की नींदें उड़ा रहे हैं पाकिस्तानियों का कहना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रो दिल्ली के बजाय जयपुर लैंड करेंगे क्योंकि भारत दुनिया को अपनी संस्कृति दिखाना चाहता है कि भारत का इतिहास कितना ज़्यादा पुराना है वो उनको हिस्ट्री दिखाना चाहते हैं कल्चर दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं भाई हम बहुत पुराने हैं जैसे आप के जैसे फ्रांस बड़ा पुराना है फ्रांस की लोगों को बताते हैं जी ये चीज़ जो है वो इतने साल पुरानी है ये चीज़ इतने साल पुरानी है तो वो कह रहे हैं कि हम भी आ, फ्रेंच को बताना चाहते हैं कि हम कितने पुराने हैं अब इस पर बहस करते हैं थोड़ी सी देखिए सुनने में आ रहा है कि सबसे पहले तो वो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट को जो है वो आ, अमर फोर्ट लेके जा रहे हैं ठीक है जी और आ, ये पच्चीस जनवरी को एज ही विल लैंड तो वो वहाँ पे जाएंगे और आ, वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना बड़ा अपना दिन गुजारेंगे कोई कल्चरल इवेंट भी होगा आ, वहाँ पे और प्रेसिडेंट के लिए देन सुनने में आ रहा है कि वो जंतर मंतर जाएंगे जहाँ पे वजीर अजम नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे होंगे और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखिए पूरा फर्स्ट डे जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिखा रहे हैं उनको वाई इज इट रिक्वायर्ड टू शो हिस्ट्री टू फ्रेंच प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द फ्रेंच प्रेजिडेंट इट इज़ टू क्रिएट ऑप्टिक्स फॉर द ग्लोबल ऑडियंस दैट जब आप देखें नरेंद्र मोदी जंतर मंतर जाए अमर फोर्ट जाए so that will not make global headlines that will make national headlines primarily. but when a french president who is like the most powerful country in the europe and they have that strategic relationship with india when he will go to janta mantar amar ford and other places टली दैट विल करिएट अस्टोरिकल एक वो ग्लोबल uh, हेडलाइंस मिलेंगी सो so, वो जो डॉक्टर जयशंकर मैंने जैसे आपको पहले कहा कि वो बता रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे सी बड़े पुराने हैं ये आप इंडिया को ऐसे ना देखें जैसे आप देख रहे हैं अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें इंडिया को बदलने देखने के लिए सो दिस इज वॉट दे हैव बिन से टॉकिंग अब फॉर एग्जाम्पल ये जब वो जंतर मंतर जाएंगे वहाँ प्राइम मिनिस्टर उनको मिलेंगे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की क्या है एंड वो कहते हैं ये फ्रेंच के लिए ठीक है जी वहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है अब जो बैटरी है वर्ल्ड हैरिटेज साइट है जंतर मंतर की बात कर रहा हूँ वहाँ पे लार्जेस्ट स्टोन है दुनिया का और सुनने में आता है कि कोई एक फ्रेंच जो एस्ट्रोनमर था वो भी वहां पे वो थोड़ी देर रहा बंगाल में कहीं पे इस तरह और ये चीजें जो हैं वो जिसे वो कहते हैं ना दिखाई जाएंगी ये हालत है स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पर और भारत में रुकने का नाम ही नहीं ले रही और अभी तो राम मंदिर बना है अभी तो एक दिन निकला है राम मंदिर बनने के बाद हमें पता था कि जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है रीजन बीइंग हमारी सनातन की एक अपनी पॉलिसी है एक इकोनॉमी को चलाने के लिए ये सनातन इकोनॉमिक्स है ये काम करेगी और इसके बाद ये ऊंचाइयों पे छूती जाएगी हमारी जितनी भी कंपनीज हैं उसका भी जो मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस है बढ़ता जा रहा है प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं इकोनॉमी बढ़ेगी तो कंपनी के माल भी बिकेगा प्रॉफिट भी बिकेंगे और प्रॉफिट भी बढ़ेंगे उससे स्टॉक मार्केट भी बढ़ने वाली है हॉन्गकोंग के अंदर मातम है कि भाई हमने 2023 में कि दुनिया बोलती है कि हम 2028 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे मी आई एम इकोनॉमिस्ट मैं जानता हूँ चीजों को कैसे नंबर की गेम होती है मैंने लास्ट ईयर बोला था और आपके शो के ऊपर भी बोला था कि अगले साल तक दिसंबर 2024 तक हम थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे मेरा अपना पूरा अनुमान है हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं है अगर हम जर्मनी और जापान की बात करें स्टॉक में आ, एक, अपने इकॉनमी में एज पर एज जीडीपी इस कंसर्न वी आर गोइंग टू क्रॉस देम दिस ईयर इटसेल्फ और इसके बाद रह गया स्टॉक ये स्टॉक मार्केट आप सोच के देखिए जितनी हमारी जीडीपी है उससे ज्यादा की तो हमारी स्टॉक मार्केट आज की रेट में ये भी होता नहीं है चाइना की जो इकोनॉमी है और जो स्टॉक है 50 परसेंट है स्टॉक मार्केट यहाँ की इकोनॉमी के और हम हम लोग 100 परसेंट को क्रॉस कर गए क्या आप कभी सुना है ऐसा सिर्फ अमेरिका है जिसके अंदर उनकी स्टॉक मार्केट उनकी इकोनॉमी से ज्यादा है सो दैट शोज कि भारत अब उस एलिट ग्रुप में पहुंच रहा है जहां पर अब हम अपने आप को गरीब कंट्री नहीं बोल सकते जैसे दस साल पहले बोलते थे नाउ वी आर अ डेवलपिंग कंट्री नॉट अ पुअर कंट्री एंड नॉट ए सुपर पुअर कंट्री ऑल्सो जो की कभी भी गिर सकती है कई कंट्रीज होती है जो कभी भी लुढ़क सकती है गिर सकती हैं अगर कहीं से आई एम एफ से पैसे पूसे है, ना आए तो हम उस किसी भी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हम आते हैं अब सुपर सुपर गुड कंट्री गुड कंट्री हु इज राइजिंग जो कभी भी तीसरे नंबर पर आ जाएगी स्टॉक मार्केट भी अब तीसरे नंबर पर आने की कगार के ऊपर है दैट मीन्स की अब आगे बल्ले ही बल्ले है अब राम राज्य लेकर ही आएंगे हम लोग बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन सर ये जो इकोनॉमी आपकी बेहतर हुई है पहले भी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी उसमें बहुत से लोगों का कहना ये है कि क्योंकि मोदी जी और अमित शाह साहब जो हैं उन उन दोनों का गुजरात से ताल्लुक है और गुजरात की जो फैमिलीज होती हैं वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो गुजराती फैमिलीज हैं वो बिजनेस में बहुत आ गए आपको लगता है क्या एक रीजन ये भी है कि जिसकी वजह से उन्होंने फोकस रखा बिजनेस के ऊपर अपनी इकोनॉमी की की, तो मतलब हाँ। बढ़ानी है आपको कोई ना कोई जैन भाई लेना पड़ेगा हम सारे गुजरात से आते हैं मेरे भी फोर फादर्स गुजरात से है ठीक है बाद में हम लोग पंजाब में शिफ्ट हो गए तो हम लोगों के ब्लड के अंदर बिजनेस करना यू uh, नो you know, एक एक तरह से जिसको बोलते हैं जीन्स के अंदर है तो uh, वही काम ये अमित अपने मोदी जी हैं अमित शाह हैं कोई भी हैं ये सारे के सारे भी उसी मिट्टी से आते हैं बिजनेस करना कंट्री को देखिए कंट्री भी एक बिजनेस की तरह है हाउ टू राइज नंबर्स की गेम है सारी और ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हमारे पास बहुत बड़े बड़े जैसे आपके पास भी है ना ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए भी प्रधानमंत्री आपने रखे वाले तो वो कुछ कर नहीं पाए तो हमारे पास भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आईएमएफ से इकोनोमिस्ट है वर्ल्ड बैंक में काम किया होता हमारे प्रधानमंत्री भी रहे वो कुछ भी काम नहीं कर पाए उनके टेन्योर के अंदर हमारी कंट्री भी नीचे जाती रही लेकिन आप ही की कंट्री में लोग बोलते थे और चाय वाला ये क्या कर लेगा देख लीजिए भारत का एक हिंदू बेशक वो चाय वाला था उसने कंट्री को कहां से कहां ले गया क्यों वो ग्राउंड रियालिटीज को समझता है हमारी जो कम्युनिटी है बड़ी ग्राउंडेड रहती है हम आपकी तरह नहीं है कि भाई अगर कहीं प्लेन में जाना है तो कमर्शियल प्लेन में नहीं जाएंगे हम तो प्राइवेट जेट में जाएंगे ऐसा काम हमारे यहाँ पर नहीं चलता हम लोग ग्राउंडेड रहते हैं ग्राउंड रियालिटीज को समझते हैं और उसके बाद काम करते हैं इसीलिए जब टॉप से आपको पता है कि मोदी जी करप्शन फ्री हैं उन्होंने एक भी रुपया ना खाया ना खाने दिया इसलिए सब भूखे हैं तो इसलिए वो सारा जो पैसा जुड़ा है जो करप्शन में पहले जाता था वो सारा का सारा इकोनॉमी में लगना शुरू हो गया है डेवलपमेंट में लगा है इसलिए तरक्की की है और हमें भी गर्व है फकर जिसको बोलते हैं आप कि फकर है हमें भी अपने प्रधानमंत्री के ऊपर वो दस सालों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं भाई हमने कभी सोचा नहीं था कि भारत में इतनी तरक्की हो हमें मालूम था मेहमान आता है तो पाकिस्तानी जरूर आंसू बहा दें क्योंकि पाकिस्तान में ना तो कोई विजिट करने आता है और ना ही कोई पाकिस्तानियों को पूछता है क्योंकि पाकिस्तान को सबको पता है कि एक पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है पाकिस्तान ने हमेशा से दुनिया में अमन और शांति नहीं रहने दी है पाकिस्तान ने ज़्यादातर देशों में आतंकवाद को एक्सपोर्ट किया है यही कारण है कि दुनिया में पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है और पाकिस्तान से दुनिया दूरी बनाना चाहती है लेकिन जिस तरह से भारत में एक के बाद एक विजिट होते हैं उससे पाकिस्तानी बस उसी पर चर्चा करते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत जिस तेजी से आगे जा रहा है उससे दुनिया भारत की तरफ देखती चली जा रही है जिस तरह से भारत की संस्कृति की दुनिया दीवानी हो चुकी है उससे पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है क्योंकि पाकिस्तान में पहली बात तो कोई आता ही नहीं आता है तो पाकिस्तान में कोई ना कोई बम धमाका हो जाता है इसी के डर से कोई पाकिस्तान का विजिट भी नहीं करता और पाकिस्तानी सिर्फ आंसू बहाते रह जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही दोस्त वो है केवल चीन आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करो कमेंट करो और शेयर करें जय हिंद वंदे मातरम